देखो नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक को समझना है वो है इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंपोनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है। कैसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए आपको हम ऐसे डिटेल में समझाते हैं। देखिए, जब आप हेडर को एक्सपोर्ट कर रहे थे तो एक्सपोर्ट किसे किए थे आप? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से किए थे। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब ये इम्पोर्ट होगा तो वो अकेला होगा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि जब वो इम्पोर्ट होगा तो अकेला होगा, अकेला के बाद कोई और दूसरा उसमें उस लाइन में एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो वहां पर एक्सपोर्ट का तरीका ही कुछ ऐसा हो जाता है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का तरीका, सॉरी, इम्पोर्ट, उसके बाद वो कंपोनेंट का नाम जो है, उसके बाद फ्रॉम और उसके बाद कंपोनेंट। अगर आपको लगता है कि नहीं इसका नाम हमको बदलना है, हेडर नाम पसंद नहीं है, तो आप इसको एज लगा के बदल सकते हैं। एज मान लीजिए इसका नाम अमन रखते हैं, ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको फिलहाल जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मामला होता है उसमें नाम वही रखना चाहिए जो नाम से उसका कंपोनेंट है, ठीक है? और गैलरी को भी आप देख पाएंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन एक बार ऐसा सोचिए कि मेरा प्रोफाइल के अंदर में ये जो प्रोफाइल नाम का जो कंपोनेंट, ये कहीं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो इसको भी अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है? तो देखो, जब कोई एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पहले से है तो आपको ये वाला एक्सपोर्ट ही सिर्फ कर सकते हो, डिफॉल्ट नहीं कर सकते। डिफॉल्ट सिर्फ कोई ना कोई एक ही कर सकते, तो आपका एक एक्सपोर्ट है और एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है। इसका इम्पोर्ट का तरीका क्या होगा? आपको अगर प्रोफाइल इम्पोर्ट करना पड़े तो आपका लाइन तो यही है, प्रोफाइल का पेज है, तो आप ये इसके बाद कॉमा लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट डाल दें, यानी ऑब्जेक्ट जैसा, तो उसमें प्रोफाइल लिख दें, वो भी इम्पोर्ट हो गया, वो भी इम्पोर्ट हो गया। आप उसको भी इस्तेमाल करके दिखा सकते, देख सकते हैं। देखिए मैं इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ, देखो एक्सेस हो गया। और ये एक्सेस होने का मतलब एक इमेज नीचे भी आ रहा होगा, देखो आ रहा है ना? इसका मतलब है कि हम लोग इम्पोर्ट करेंगे अगर एक से ज्यादा तो कर्ली ब्रैकेट, खाली इम्पोर्ट करेंगे एक से ज्यादा तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। बस इतना सा मामला है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझ लिया। इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे राइटिंग मार्कअप विथ जेएसएक्स। इसमें थोड़ा सा समझना है कि जेएसएक्स में और बाकी चीज़ों में क्या अंतर है, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा कन्वर्ट करने का मामला, बाकी चीज़ें थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद फिर आगे जावास्क्रिप्ट के कर्ली ब्रैकेट का रूल, फिर इसके बाद प्रॉप्स किसे कहते हैं, बहुत सारा लंबी जर्नी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।